इसलिए बोलता हूँ अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने मत जाए ऐसे बोले पर तू मेरी सुनता है कहाँ यार तो संडे ना आज कहाँ है वैसे वैसे ऑफिस में तुम्हारा काम ज़्यादा है यार क्या आप भी फालतू जॉब के चक्कर में संडे खराब करते हैं मेरा भाई ये घर और ये जॉब हमें ना पापा की वजह से मिली है जब तू छोटा था ना तब एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी तब से लेकर आज तक इस जॉब ने ये हमारी हर जरूरतें पूरी की है और तू कहता है फालतू छोटे अरे भैया जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी तो पूरी होनी चाहिए सोचो अपना एक बड़ा बिजनेस हो एक अपनी एक एयर कंडीशनर कार हो एक अपना बंगला हो ये फालतू के सपने और फालतू की स्कीम लगाना बंद कर दे जब इंसान की जरूरत पूरी होती है ना छोटू तभी वो इस तरह की बातें करता है देर से उठ और तैयार होकर नाश्ता कर ले और सीधे पढ़ने बैठ जाना क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्जाम है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तू तेरा आवारा दोस्त है ना उनके साथ कहीं मत जाना और अगर इस बार मैंने तेरी कोई किसी से कुछ सुनी कोई भी खबर तो देखना मुझसे बड़ा कुछ ना जी भैया तो मैं ठीक है चलता हूँ शाम को मिलता हूँ तुझसे ना Thank you.
अभी क्या करेंगे, पढ़ के तू ही पढ़। तेरा भाई कितना मेहनत करता है तुझे पढ़ाने के लिए, और तू एक ऐसे ऐसे बर्बाद कर रहे। चल चल बोलते, मेरा मेरे को ज्ञान देने वाला मेरा भाई बोलते, तू आया मुझे ज्ञान देने वाला, पढ़ ले तू अपना कुछ, पढ़ रहा हो तू। कहाँ जा रहा भाई? अरे तू पढ़ तेरी पढ़ाई, नहीं पढ़ना मुझे। कल याद से आ जाना, पेपर है। आ जाऊँ। भैया ने मेरे लिए बचपन से क्या क्या करा, मैंने हमेशा उनका विश्वास तोड़ा सिर्फ अपनी बुरी आदतों की वजह से। आई फील आई हेट माई सेल्फ।